जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जेजेपी हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार करने जा रही है। राजस्थान और गुजरात में इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में पंजाब में भी जेजेपी का विस्तार देखने को मिलेगा। तो साथ ही अजय चौटाला ने कहा कि उनका प्रयास है कि गुजरात में वे बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ें। एनएलओ के तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर कहा कि फतेहाबाद में एनएलओ के मंच से ही सभी नेताओं ने कह दिया था कि बगैर कांग्रेस के तीसरे मोर्चे का गठन संभव नहीं। उन्हें नहीं लगता कि पूरी उम्र कांग्रेस का विरोध करने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। चुनाव घोषित हो हम तो तैयार ही हैं, पिछले काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं, लगे हुए। गुजरात में जनता ने जी संगठन का लगातार फैलाव कर रहे हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, पंजाब में भी। गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है तो पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में आएगी या अलग? हमारा यही प्रयास होगा। पंचायती चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़े जाएंगे या? गठबंधन में ही लड़ने का निर्णय हुआ, तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है और ये कह रहे हैं जसपा और इनेलो एक और। कहाँ हुआ है गठन? उस तीसरे मोर्चे के गठन के लिए वहाँ स्टेज पर खड़े नेता ही सब हम ये कह रहे थे कि बिना कांग्रेस के मोर्चा संभव नहीं है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस की मुखालफत की है, क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मोर्चा बनाएंगे? इस वजह से वो निराश होकर उधर चला गया। क्या फर्क पड़ता? चौधरी वीरेंद्र का बयान आया था कि चुनाव में जब पार्टी आई थी चुनाव में तो 40 सीटें थी भाजपा के पास में, 10 सीटें जेजेपी की थी, मिला के सरकार बनाई थी। उन्हें आगे नहीं लगता कि आगे भी गठबंधन रहेगा, इसको लेकर कहते उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक बोलते हैं।